अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ बकरा मंडी पाकिस्तान। और आज की वीडियो है जी, शेखुपुरा मंडी की शेड के नीचे खड़े हैं। कोई धूप छूप नहीं लग रही, बड़ा अच्छा यहाँ पे मौसम लग रहा है, लेकिन अभी पता लगेगा। अभी सुबह के हुए हैं जी कोई 8:27, और मेरे साथ हैं यासिर भाई। यासिर भाई को आज मैं इसलिए लेकर आया हूँ कि ज़रा मैं स्पोर्टी रहूँगा। और क्या नाम है, यासिर भाई के साथ जो है ना, लास्ट बुध को आई थिंक है ना हम थे, तो हमने बहुत ज़्यादा मैंने वीडियो बनाई थी, बहुत ज़्यादा चला था, लेकिन एक बार भी कोई पैर में दर्द या कोई चीज़ नहीं हुई थी, क्योंकि यासिर भाई के साथ जो है ना वो टाइम बड़ा अच्छा गुजरा। तो ये देखें जी, आज थोड़ा सा ज़रा छोटा माल है पीछे, बाकी है कि शुरू करते हैं वीडियो। देखें फुल वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। हाँ खोल दे। ले जी ये देखें, माशाल्लाह से आज बहुत बहुत खूबसूरत खूबसूरत बछड़े हैं हमारे शहजादे भाई के पास। नाम क्या था? जावेद इकबाल। जावेद इकबाल क्या है मुंह से? पक्का कीड़ा। पक्का कीड़ा, पक्का कीड़ा दिखाओ। बाकी पक्का कीड़ा जो होता है जी, खोलना यार जरा, खोलो खोलो मुंह खोलो। पक्का कीड़ा जो होता है वो होता है जी ये, कि ये देखें इसका ये दांत ना, एक हिल रहा है, ये वाला भी हिल रहा है, ये दूसरा नहीं हिल रहा, उस साइड का नहीं हिल रहा, इस साइड का हिल रहा है। और दांतों के दरमियान पता नहीं देखा होगा थोड़ा सा गैप है, वो जो गैप है दैट मीन्स के नीचे जो दांत है ना वो ऊपर आ रहा है, और ऊपर वाले दांत को वो उखाड़ के फेंक रहा है। तो ये बेसिकली पक्का खीरा इसलिए होता है। तो शाह जी की मांग दे बेटा, 1,05,000 मांग रहा है ये बंदा, बहुत महंगा है, इससे कोई बाय ना करे, कुछ भी ना खरीदे, बहुत महंगा बंदा। बछड़े को पड़ रही है नथ। इधर आकिब जावेद साहब जो है ना स्पोर्ट्समैन, उसको नथ डाल रहे हैं। अच्छा टोरियाँ हूँ इधर लाते हो बछड़े वाला या उधर ही जाते? उधर ले जाने ने, नवाए दवाए सही हो गया। छोटा सा है यार, सही रेट साथ बांधे यार, बहुत महंगा लिया, खरीदार ही महंगे हैं। अरे उसे रस्सी के उधर से खींच भाई, उसे बताना पड़ेगा। आ जा इधर आ जा, इसका नाम मुझे बाकी भूल जा रहा है, जावेद, मुझे फैसल जावेद। जावेद भाई और छोड़ दे, बड्डे को भी दिखाएंगे अभी। इसका बताओ जावेद भाई, इसका बताओ। और दांतों से क्या है? धुंध है, दिखाओ। मैंने पक्का खीरा, पक्का खीरा है। या छोटे तेरा नाम क्या है? जादम। जादम क्या नाम है इसका? जाजिब। वैसे ये बच्चा खूबसूरत है यार, ये खोल नहीं दे रहा इसको। इजाज अहमद, इजाज इसको खोल। जावेद भाई का जी नीचे नंबर चल रहा होगा इनका, क्या नाम था ऐसा? है ये बदमाश है ना, बहुत बड़ा बदमाश है। इसने एक दफा खुसरा भेज दिया था हमारी मंडी में, हमारी लाहौर की मंडी में इस बंदे ने खुसरा ही भेज दिया था। सारी मंडी खुसरा भेज दी। आगे लेके जाए यार, नहीं जी माशाल्लाह से चेक करें, बछड़ा जो है वो हेल्दी होने वाला बच्चा है। ये फाइनल क्या पैसे कितने मांग रहे हो इसके? हाँ 1,20,000 बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं इसका, पता नहीं क्यों इतना रेट मांग रहे हैं। अच्छा ये वाला क्या है, उसमें ले जा माशाल्लाह। इसके ऊपर जो है ना कलर वो बहुत ज़बरदस्त है। और एक बात मैं आपको बताऊँ कि ये देखें कि ये इसकी दुम देख रहे हैं आप लोग, इसकी यहाँ से कढ़ाई देखें, इसकी दुम की यहाँ से कढ़ाई देखें, और ये चीज़ देखें पीछे से देखें, इसकी दुम की चौड़ाई देखें, इसकी दुम के अंदर रिब्स पता लग रही है, ये खूबसूरती की निशानी नहीं है, ये खूबसूरती है।
یہ خوبصورتی کی نشانی یہ ہے کہ یہ پوری چڑائی میں بھری دیا تم نے. چاچا جی ہے کیجیے منہ ہے کیجیے منہ کی مانگ دو وہ جان دو چاچا جی. آکے بھائی ریٹ بہت بڑھا دیے ہیں یار آپ لوگوں نے, جو جائز ہے جائز جائز. ایک تیس ایک تیس اتنا زیادہ ریٹ یار. چیز بہت خوبصورت ہے, خوبصورتی کے پیسے مانگ رہے ہو بس. آکے بھائی ایک ایک کر کے ادھر سے آؤ ادھر سے آؤ. آکے بھائی ابھی نہیں, سارے لوگ کہتے ہیں یار آپ بڑے بڑے بچڑے دکھاتے ہو بڑے بڑے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تھوڑا سونا آگے ذرا دھوپ میں لے جاؤ, دھوپ میں لے جاؤ. ہاں جی آکے بھائی یہ کیا ہے منہ سے دھوندا, اور یہ ذرا ادھر آ جانا. اور اس کا مانگتے کیا آکے بھائی؟ دو بیس. ادھر ہی رکھو دو بیس. دانت دکھانا پیور دھوندا ہے جی. یہ دیکھیں جی پیچھے کا سین بھی دیکھ رہے ہیں کیسے بھینس کو نہایا جا رہے ہیں یہاں پہ. ابھی یہ نہا لی ہیں سارے؟ اچھا میں نے کہا یار کچھ دکھاتے ہیں نہا کے نہیں. ماشاء اللہ جی. ہاں وہ گائے نہلا رہے ہیں پیچھے. یہ ماشاء اللہ جی آپ لوگوں نے دیکھا ہے بچڑا بہت خوبصورت ہے اور ہیوی ہے لیکن اتنا بھی ہیوی نہیں ہے. دو بیس مانگ لیا آکے بھائی نے. آکے بھائی کا نیچے نمبر چل رہا ہوگا, جاوید بھائی کے بھی نیچے نمبر چل رہا ہوگا. تو آکے بھائی یہ کس کا ہے؟ اور یہ سارے اور یہ جاوید کے نہیں ہیں, آپ کے ہیں. پھر آپ کے نمبر چلے گا سر, جاوید کا نمبر نہیں چلے گا. آکے بھائی ان کا ریٹ ذرا بتا دو یار. اور یہ کیا ہے منہ سے؟ یار بہت زیادہ ریٹ بتا رہے ہو یار. آکے بھائی کھولا. اچھا ابھی کرتا ہوں میں گائے گا, گائے میں دکھانے کا. ہاں وہ براہمن ہے, ان نے اس سے لکھا ہے محمد ہے. اچھا ہاں جی چلو دیکھتے ہیں. ادھر لے آئے یار دھوپ میں اچھا نہیں لگتا. ادھر لے آئے ادھر بیٹے. بس ادھر ہی رکھو ادھر ہی رکھو, تھوڑا سا آگے لے جاؤ. بس یہاں پر رکھو. اچھا تو یہ منہ سے کیا ہے؟ ادھر لے کے رہو. پیچھے سے بھی آپ لوگوں کو دکھاؤں. ماشاء اللہ سے ہے ویسے اسٹرانگ بونس کے اندر. کیا ہو گیا ہے؟ ٹینشن کیا آ گئی ہے؟ دکھا دان دکھا. چل ٹھیک ہے دونوں. اچھا تو اس کا کیا مانگ رہے ہو؟ ایک تیس. آکے بھی نے ویسے ایک ساٹھ مانگ لیا تھا ویڈیو میں, یہ بھول گیا. اچھا چلو اس کو باندھو. ماشاء اللہ سے یہاں پہ جی ابھی میں آپ کو بتا دوں کہ دھوپ اتنی سخت ہے کہ حد نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ سب سے بڑی اچھی بات یہ ہے کہ اگر میں آپ کو کہوں کہ یہاں پہ شیڈ کی وجہ سے دھوپ اتنی نہیں لگ رہی ہے تو یہ جھوٹ نہ ہوگا. کیوں بھی جیسے بھائی بالکل یہاں پہ بہت اچھا انتظام ہے بیٹے. آ جا آخری بڑوں پہ آ جا آخری دو پہ. اللہ کرے لاہور کی منڈی کو بھی ایسا بنایا جائے. یار اپیل ہی ہے, ہم تو اپیل ہی کر سکتے ہیں. ہاں یہ والا ماشاء اللہ جی, یہ والا بچہ بہت کلر بہت زبردست ہے. او ماشاء اللہ ادھر لے جاؤ. بس ایسے کر لو. بس 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 پیچھے آ جاؤ پیچھے آ جاؤ پیچھے آ جاؤ. ارے ایسے ہی پیچھے لانا تھا. اچھا تو یہ کیا ہے منہ سے؟ ہاں دھندا ہے چوگا ہو رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. ایسے ایسے کھڑا کر ادھر چلا جا. تھوڑا سا اور ادھر. بس ٹھیک ہو گیا ماشاء اللہ جی. چیک کریں بس یہیں پہ رکھنا بیٹے. ماشاء اللہ جی چیک کریں کس کو ادھر بیوٹیفل بچڑا ہے. اور کھڑے ہونے کا سٹائل بھی چیک کریں ذرا اس کا آپ کو. تو ساد جی چھوٹے ساد آکی بھائی کا کیا لگتے ہو آپ؟ آکی بھائی کا کیا لگتے ہو بھائی آپ کا؟ تو کیا مانگ رہے ہو اس کا؟ ہاں
एक 80 फाइनल क्या हो जाएगा इसका? एक सत्तर कह रहा है जी फाइनल। मैं इसको जरा घूम के आपको पीछे से दिखा दूँ, इधर ही खड़े रहना। पीछे से भी आपको दिखा दिया और इस साइड से भी आपको दिखा दूँ कि माशाल्लाह इसके ऊपर जो है ना, ये यहाँ पे ही वाइट कलर के पैचेस हैं, बाकी कुछ नहीं है कहीं पे भी, लेकिन है ये बहुत खूबसूरत। इसके कितने पैसे मांगे हैं छोटू? फाइनल 170 बताया, बहुत ज़्यादा ही बताया यार। चलो यासर भाई कितने का होगा? मेरे ख्याल से 1.10 1.5 एक 20 है मेरा ख्याल है कि बस एक बहुत एक काफ़ी है, बहुत है। ठीक है बांधे बांधे बांधे। माशाल्लाह खूबसूरत चीज़ है यार, है ना? बिल्कुल। कौन था ये? दोनों बहुत प्यारे हैं, एक एक के भी दोनों मिले ना, बहुत अच्छे हैं। हाँ। मंडी के हिल है हाथ से। मंडी के वैसे अगर ये यही आप मुल्तान चले जाओ तो ये आपको 80,000 के ही मिल जाएगा। ये वाला आखिरी भी खोल दे बेटे, देखिए ये छोटा सा बच्चा जा रहा है भैंस का, इसकी हाइट अच्छी है, ले आए इसे, बच्चे का कॉन्फिडेंस चेक करें आप। उधर ही उधर आके भाई का जी नीचे नंबर चल रहा होगा, अगर आप लोगों ने लेना हो इनमें से कोई भी तो ये देखें जी किसका तो खूबसूरत है माशाल्लाह, और खड़ा हुआ स्टाइल चेक करें इसका, क्या ज़बरदस्त चीज़ लग रही है माशाल्लाह। ये है जी थोड़ा सा लाइट ब्राउन में, ठीक है ऐसे सीधा करो, इधर आ जाओ थोड़ा सा सीधा करो इसे, बस ऐसे। हाँ जी बच्चे ये क्या है मुँह से क्या है? एक दोंद की डंडी कड्डी है अभी। अच्छा जी क्या मांग रहे हो इसका? हाँ 170। अरे यार इसके पहले तो कुछ भी नहीं है, 170 क्यों मांग रहे हो? 170 170 नहीं है यार, ये बहुत ज़्यादा रेट बता रहे हैं इस वक्त तो। बहरहाल इनकी चीज़ है, वो बहुत सारे लोगों ने नीचे कमेंट्स किया होता है कि जी बहुत ज़्यादा रेट बता रहे हो तो आप अपना बताएं, तो मैं अगर कहूँगा तो मैं तो कहूँगा ये 70,000-80,000 के हिसाब से ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन 170 ही मांग रहे हैं, बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं। दूसरा इसमें एक फॉल्ट है छोटा सा, ये देखें डुम टूटी हुई है इसकी, ये चीज़ डुम टूटी होती है, ये जब मरोड़ते हैं तो ये डुम के आखिरी हिस्से मोस्टली टूट जाते हैं। ये बहरहाल ठीक है, 170 मांग रहे हैं इसका। आ जाओ उधर के दो तीन बछड़े हैं हल्के वाले, वो भी ज़रा दिखा दें इसको बांध दें। आके भाई का जी नीचे नंबर चल रहा होगा, आप लोगों ने अगर उनसे कोई भी बछड़ा इनमें से लेना हो तो आप लोग परचेज़ करने के लिए कॉल कर सकते हैं, और अगर आप लोगों ने मार्केटिंग करवानी हो अपने कैटल फार्म की या गोड फार्म की तो आप लोग मेरे दूसरे नंबर के ऊपर, मेरे नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझसे, लेकिन कोशिश कीजिएगा काइंडली आप लोग जो भी कॉन्टैक्ट करें वो मार्केटिंग के लिए ही करें। अगर आपको लोगों को किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए किसी भी उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए हो मंडी की, तो आप लोग मेरे दूसरे नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 03129885740 वाले के ऊपर। आ जाओ जी भाईजान, ब्लैक दिखाओ, काला और से ज़्यादा क्या हाल है? ठीक है मारता है ये वाला, बच्चे का कॉन्फिडेंस देख के मैं हैरान हूँ। उधर ही चल, इधर ही ठीक है, इधर ही ठीक है। अच्छा ये क्या है मुंह से? वो इतना सा चार दांत भी करा दिया यार इसको, इधर ले आ जाओ। और इसका क्या मांग रहे हो? अके भाई खुदा दा खौफ करो यार, इन्ने रेट वो भी शेखुपुरा मंडी, ईद ते मंडी लगी सी बुध वाली। अच्छा चल बांध दे इसको। और आके भाई ये वाला क्या है मुंह से? ये भी है तो छोटा ही जानवर।
हाँ जी आके भाई इसका क्या मांग रहे हो? 40 धुंधा है ठीक हो गया। अभी एक दांत ही तोड़ा है, इसे जरा उधर लेके आना बच्चे, उधर ले जाओ। बस ठीक है इधर ही। नहीं जी जिसका ये 40 मांग रहे हैं उसको भी पीछे से, आपको पीछे से आपको जानवर का सही पता लगेगा, जो इसकी चौड़ाई है, जो इसकी वेट है। इसको अब यहाँ से देखें कि कितना मोटा जानवर लग रहा होगा आप लोगों की यहाँ से, ठीक है। बट ये देखें कि ये कोई इतना मोटा जानवर नहीं है, यहाँ से देखें पता लगेगा। तो कैमरा ट्रिक के अलावा मतलब बहुत सारे यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत सारे ऐसे यूट्यूब के ऊपर चैनल्स चल रहे हैं जो कैमरा ट्रिक उन्हें समझ आ गई है, और ज़्यादातर डेरा के लड़के हैं, डेरे के जितने भी लड़के हैं जो बकरे बेच रहे हैं उनको कैमरा ट्रिक आती है, और वो कैमरा ट्रिक के हिसाब से बकरा दिखाते हैं आपको। जब बकरा घर पहुंचता है वो तो वो ज़रा सा चूचा सा बकरा होता है, तो वो कैमरा ट्रिक है, ठीक है जी। बांध दो। नहीं जी आखिरी 2-3 के रेट्स वैसे पता कर लेते हैं। तो साजी ये क्या है मुँह से? अब ये हल्का बछड़ा है, यासर भाई क्या रेट होगा इसका? मेरे हिसाब से अल्लाह की कसम ये कहने लगा 60 to 65 उसका रेट होगा। क्या मांग रहे हो भाई इसका? ओ भाई सारों का 31 ही मांगी जा रहा है। अके भाई सारों का 31 है यार, क्या बात है। पुठे का सौदा करना है 31 में? पुठे का सौदा करना है क्या 31 में? हर किसी का 31 बता रहा है आपका छोटा भाई। इसका कितना? 1.5। आगे चलाना बेटे। और ये मुँह से क्या है? धुंधा है। आके भाई हमारे हिसाब में ये 60-65 की चीज़ है, 60-65 की। अच्छा फिर भी कितने का ये फाइनल कितने का हो जाएगा? एक दाम देखो आप लोग, आप अगर अपने देखने वालों को नहीं बताओगे तो उनको समझ नहीं आएगी, वो आपको कांटेक्ट नहीं करेंगे। आपको पता है ना ये बात? आपको अच्छी तरह पता है। 85 फाइनल है ये? चलिए 85 वो फाइनल कह रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी अगर 60-62 बस 65 भी नहीं जाऊंगा पीछे से देखने के बाद। ये देखें जी इसको नाथे पट रही है कि क्या हो रहा है, पट्टा डल रहा है। और ये सबसे ज़्यादा जिसने पकड़ा हुआ है ना ये बड़ा हीरो है हमारा। इसके दांत दिखाओ बेटे। चल रहने दे रहने दे रहने दे रहने दे, उसका मूड नहीं है, रहने दे उसका मूड नहीं है। बच्चा भी दिखा के छोड़ेगा ठीक है तुम्हें। ये बच्चा बड़ा तेज है यार। चल ठीक है बांध दे। रेट के मामले में भी बड़ा ही थे। रेट के मामले में ये 31 का है। चल ठीक है बांध दे बांध दे बांध दे बांध दे। और वो आखिरी में लेकर वैसे ही रेट बता दे। हाँ भाई चीते क्या है ये छोटा सा दांतों से क्या है? खीरा है। क्या मांग रहा है इसके? पैंठ हजार रुपये। शुक्र है कुछ सही, तू बहुत महंगा भी पा रही है भाई। अच्छा ये वाला ये तू अपनी जवानी के रेट ना मांग। हमारी जवानी के रेट मांग भाई, तेरी मेहरबानी है। ये 7 साल का राशन भी, ये अपनी जवानी के रेट मांगता है जानवरों का और किसका? जब तू जवान होगा ना तब ये रेट होगा इनका। क्यों जी भाई जान ऐसी है ना? जाने दे 10 हजार मुल मंगे। कितने पैसे? चल ठीक हो गया। चलें जी ये थी आज की वीडियो, होप कि आपको पसंद आई होगी। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। ये छोटे वाले का रेट भी बता दे जल्दी से। हैं हैं अस्सी हज़ार में जोड़ी हो जाएगी? ये देख लो जी रेट बढ़ गए हैं यार, रेट बढ़ गए हैं। मेरे कहने से रेट नहीं बढ़ते, रेट बढ़ गए हैं। पीछे से भी ये लोग काफ़ी अब रेट में लेकर आते हैं, लेकिन यह है कि अब इन लोगों के मार्जिन जो हैं वो इंक्रीज़ कर देंगे। उसकी वजह यह है कि ईद आ गई है और ईद के ऊपर इनके मार्जिन इंक्रीज़ कर देते हैं, प्रॉफिट मार्जिन बहुत इंक्रीज़ कर देते हैं। होप कि आपकी वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।